हेलो फ्रेंड्स, पुष्पांजलि प्रणवीन नर्सरी से आशीष बोल रहा हूँ। आज स्टार्ट करेंगे एग्जीबिशन वैरायटी से। एग्जीबिशन वैरायटी है रेड कलर का रोज है, बहुत ही पॉपुलर गुलाब है। 10 टो एग्जीबिशन में 10 जगह में इसको मिलता है, प्राइज विनर भी है ये। रेड कलर का रोज है, डेनमार्क का गुलाब है, 1981 का ये रोज है। रोज का नाम है इनग्रिड बर्गमैन। आज रेड रोज एग्जीबिशन वैरायटी इनग्रिड बर्गमैन से स्टार्ट करेंगे। आज रोज है इनग्रिड बर्गमैन, ये डेनमार्क का गुलाब है, 1981 के रोज है, एग्जीबिशन वैरायटी का एक गुलाब है। এখন যে গোলাপটা দেখাচ্ছি এর নাম ইনগ্রিড বার্গম্যান, ডেনমার্কের গোলাপ, 1981 এর গোলাপ, এক্সিবিশন ভ্যারাইটি। 10টা এক্সিবিশনে গেলে 10 জায়গাতেই একে পাওয়া যায় এবং এ কিন্তু প্রাইজ উইনার, 10 জায়গাতেই এ প্রাইজ পায়, ভীষণই প্রাইজ পায় ইনগ্রিড বার্গম্যান। ভীষণই ডিমান্ডেবল একটা ভ্যারাইটি, বহুতই পপুলার ভ্যারাইটি এ ইনগ্রিড বার্গম্যান। इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं, जमीन पे भी लगा सकते हैं। इटा के अपने पॉटे लगाते पर माटी तो है इटा। अरे सालो भर फ्लावर होता है इसमें इनग्रिड बर्गमैन में। रेड कलर रोज में वन ऑफ द पॉपुलर रोज है इनग्रिड बर्गमैन। अभी जो गुलाब दिखाएंगे इंडियन रोज दिखाएंगे, लेकिन फ्लोरीबंदा रोज दिखाएंगे। इंडियन फ्लोरीबंदा रोज केएसजी का गुलाब, पिंक कलर का गुलाब। रोज है अहल्ला, फ्लोरीबंदा रोज अहल्ला, पिंक कलर का गुलाब, केएसजी का गुलाब, इंडियन रोज है ये। এখন যে গোলাপটা দেখাচ্ছি এর নাম অহল্লা, পিঙ্ক কালারের গোলাপ, কেএসজির ভ্যারাইটি, 1969 সালের ভ্যারাইটি, প্রচুর ফুল হয়। এর মা হচ্ছে সামার স্নো, এটা সামার স্নোর ভ্যারাইটি, যার জন্য ফুলও খুব প্রচুর ফুল পরিমাণে, প্রচুর পরিমাণে ফুল হয়। এ হচ্ছে পট এক্সিবিশনের জন্য ভালো, এ পট এক্সিবিশন খেলে বহুত আচ্ছা হয়, सालों भर फ्लावर होता है। इजी ग्रोइंग रोज है ये। अभी जो गुलाब दिखाएंगे व्हाइट कलर का फ्लोरीबंदा रोज दिखाएंगे, व्हाइट कलर का फ्लोरीबंदा रोज, जर्मनी का गुलाब, 1958 का ये रोज है,
बहुत अच्छा गुलाब है, बहुत इजी ग्रोइंग रोज है, इसमें भी डाइबैक का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डाइबैक का टेंशन नहीं है, बहुत ही इजी ग्रोइंग रोज है। रोज का नाम है आइसबर्ग, व्हाइट कलर का फ्लोरिबंदा रोज आइसबर्ग, ये जर्मनी का गुलाब है, 1958 का रोज है, फ्लोरिबंदा रोज है, इसमें डाइबैक का प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बीमार भी होता नहीं है पौधा, बहुत ही इजी ग्रोइंग रोज है ये, ये जमीन पे भी हो सकता है, पॉट में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। এই যে গোলাপটা দেখানো হচ্ছে এর নাম হচ্ছে আইসবার্গ, এটা জার্মানির গোলাপ, 1998 সালের গোলাপ, ফ্লোরিবন্দা রোজ, মানে মিডিয়াম সাইজের ফুল হয়, সারা বছরই প্রায় ফুল হয়, খুব ইজি গ্রোয়িং রোজ এটা, এতে রোগ খুব একটা হয় না, আর ডাইব্যাকেরও প্রবলেম নেই গাছে, ভীষণই ইজি গ্রোয়িং রোজ এটা, রোজ আইসবার্গ। এটা কি এটা পটেও লাগানো যায়, মাটিতেও লাগানো যায়, अभी जो गुलाब दिखाएंगे वो मिनिएचर रोज है, ऑरेंज कलर का मिनिएचर रोज है, 1969 का एक गुलाब है, यूनाइटेड स्टेट का एक गुलाब है, 1969 का ऑरेंज कलर का गुलाब है, रोज है फायर प्रिंसेस, रोज फायर प्रिंसेस, ऑरेंज कलर का गुलाब, बहुत फ्लावर होता है, लीव्स जितना है उतना फ्लावर भी है, सालों भर फ्लावर होता है, ड्वार्फ टाइप का है पौधा, हाइट कम होता है, इसीलिए जमीन पे भी हो सकता है, पॉट में भी हो सकता है। এই যে গোলাপটা দেখানো হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটের গোলাপ, 1969 সালের গোলাপ, অরেঞ্জ কালারের ফুল, এটা মিনিয়েচার রোজ, এটা পুরো বছর ধরে ফুল হয়, রোজের নাম ফায়ার প্রিন্সেস, ভীষণই ইজি গ্রোয়িং রোজ, এতে রোগ খুব একটা হয় নাই বললেই হয়, আর একটু ডোয়ার্ফ টাইপের হয়, টবেও লাগানো যায়, মাটিতেও লাগানো যায়, আর এর পাতা যত ফুল তত, রোজ ফায়ার প্রিন্সেস, এ সালো ভর ফ্লাওয়ার দেখায়, अभी जो मिनिएचर रोज दिखाएंगे सबसे छोटा वाला गुलाब है, ऑरेंज कलर में बहुत ही छोटा गुलाब है, मतलब पूरा टेबल रोज जैसा है, टेबल में रखने के लिए गुलाब है, ऐसे रोज है प्रीति स्कारलेट, ऑरेंज कलर का मिनिएचर रोज प्रीति स्कारलेट, बहुत ही छोटा वाला गुलाब है, ये टेबल रोज है, ये देखिए इसका हाइट, देखिए टेबल में रखने के लिए। এই যে গোলাপটা দেখানো হচ্ছে এ টেবিল রোজ, এটা টেবিল রোজ, অরেঞ্জ কালারের গোলাপ, সব থেকে ছোট মিনিয়েচার, ছোট ছোট টেবিল গোলাপ, এর নাম হচ্ছে প্রীতি স্কারলেট, অরেঞ্জ কালারের প্রীতি স্কারলেট, খুব এর হাইট খুবই ছোট হয়, এগুলো মেনলি হচ্ছে টেবিলের জন্য, এটা इसीलिए इसको टेबल गुलाब भी बोलता है, रोज प्रीति स्कारलेट।
आज यहाँ पर ही कम्पीट कर देता हूँ, आप हमारा बागीचे का व्यू लेते रहिए। Huh.